मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आज जो दिन भर जॉर्ज सोरोस को लेकर काफी ज्यादा बात चल रही है, जो कि यूएस के अरबपति है और जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी को लेकर टिप्पणी की है, इसे लेकर काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो कांग्रेस है वो तो पल्ला झाड़ रही है, कह रही हमारा कोई भी कनेक्शन के साथ नहीं है। जयराम रमेश के ट्वीट से तो ऐसा लग रहा है कि जो है सोरोस का कांग्रेस से दूर दूर तक तो कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस को पिटी हो रहा है कि क्यों आखिर जॉर्ज सोरोस इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने इसी तरीके से ट्वीट किया कि हमारा मामला है, इसमें जॉर्ज सोरोस कुछ नहीं बोल सकते हैं, हमारी चीजें हैं। लेकिन हम आपके लिए चौंकाने वाला खुलासा करने वाले हैं और ये खुलासा ऐसा है जिसे आपको समझ आ जाएगा कि कांग्रेस जो कि पल्ला झाड़ रही है कि जॉर्ज सोरोस के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस ही है जिन्हें हर पड़ाव पे शुरुआत से लेकर 2023 चल रहा है अभी तक ऐसे कृत्य किए हैं, ऐसी चीजें ऐसे तथ्य आए हैं सामने जो पूरी तरीके से डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस का लिंक कांग्रेस के साथ बता रही है। और ये पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ रही है, उसी कांग्रेस के जो तार है पूरे तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज के वक्त में भारत विरोधी बयान दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत बोल रहा है और भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। आखिर कौन है जॉर्ज सोरोस और किस तरीके के बयान वो दे रहे हैं और किस तरीके से कांग्रेस के साथ इनका लिंक है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें आपको कि अमेरिका के अरबपति है जॉर्ज सोरोस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो बयान दे रहे हैं जिसे लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी ने सोरोस की निंदा भी की और कहा कि भारत के लोकतांत्रिक बदलाव का रास्ता चुनावी प्रक्रिया है, सोरोस जैसे लोग हमारे चुनावी नतीजे नहीं तय कर सकते हैं। जॉर्ज सोरोस ने अदानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और सोरोस ने यह दावा किया कि अदानी के मुद्दे पर भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा, यानी साफ तौर पर इनके बयान से कि लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा यहां से साजिश की बू नजर आ रही है। अब यह बयान था, अब कांग्रेस जो है वो कह रही थी कि हमारा कोई लिंक नहीं है। अब कांग्रेस के लिंक के बारे में विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहला जो लिंक है हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसे राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा था कि इमेज अच्छी हुई है या चीजें ठीक हुई है, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा में एक व्यक्ति थे जो जुड़े थे जिनका नाम था सलील शेट्टी। आखिर कौन है ये सलील शेट्टी? कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए, कौन है ये सलील शेट्टी? आपको बताते हैं हम, जो ये कह रही है कांग्रेस कि जॉर्ज सोरोस से कोई तार नहीं है, आखिर में सलील शेट्टी जो है वो सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओपन सोसाइटी के उपाध्यक्ष है। डायरेक्ट लिंक है यहां पर, देखिए 2022 के अक्टूबर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और ये उपाध्यक्ष है, वीसी है। अब ये पहला लिंक था। दूसरी बात हम करते हैं, जब कांग्रेस कह रही है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो राहुल गांधी के करीबी नेता प्रवीण चक्रवर्ती इस एजेंडा प्रोपेगेंडा को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों उनके द्वारा बोले गए बयान को कोट करके, क्यों क्या नेशनल मीडिया दिखा नहीं रही है इस मामले को, क्या नेशनल मीडिया को पता नहीं है जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा है? बीजेपी इतनी पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी को नहीं पता जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा है? तो इस एजेंडा प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम राहुल गांधी के करीबी जो है प्रवीण चक्रवर्ती क्यों कर रहे हैं? उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्ज सोरोस को बुरे लगते हैं, उनसे इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार की इन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे, पेपर के कटआउट जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस ने मनमोहन सिंह की सरकार के कितने पुल बांधे थे। एक और कनेक्शन है, मनमोहन सिंह की बेटी जो है अमृत सिंह, वो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती है। अभी आप सिर्फ कनेक्शन गिनते रहिए, जिस कांग्रेस ने कहा कि कोई कनेक्शन नहीं है उस कांग्रेस के कितने कनेक्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए, वो कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए मनमोहन सिंह की तारीफ, अब मनमोहन सिंह की बेटी भी इनके लिए काम करती है। अब एक और है, साफ तौर पर कहते हैं कि मोदी सरकार, मोदी और ऐसे लोगों के लिए हमने 1 बिलियन खर्च कर दिए। आखिर अचानक से 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ये अचानक से हिंडसबर्ग की रिपोर्ट, अचानक से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, फिर फंड का मामला सामने आ रहा था। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये फंड आ कहां से रहा है, $1 बिलियन
इसको आप कन्वर्ट करिए, कितने पैसे होते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री और ये जो सब केंद्र पर, खासकर मोदी पर जो प्रहार हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। बागेश्वर धाम का मुद्दा क्यों लेकर आया गया, हर चीज का लिंक 2024 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से है। अभी एक और हम आपको बताते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन, एक ऐसा फाउंडेशन जिसे लेकर कार्रवाई भी देखने के लिए मिली केंद्र सरकार द्वारा। राजीव गांधी फाउंडेशन का भी सोरस और क्लिंटन लिंक है। जी हाँ, राजीव गांधी फाउंडेशन का भी यह लिंक समझ निकलकर सामने आया है। इसके बाद आपको बताते हैं कि अप्रैल 2021 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, और यह बयान ऐसा था कि इंडियन अफेयर में यूएस की जो एंट्री है होनी चाहिए, यानी यूएस को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि इंडियन अफेयर्स में मोदी की वजह से चीजें खराब हो रही है। ठीक, इससे पहले का अगर बयान देखेंगे आप तो इसी तरीके का एक मिलता जुलता बयान जो है दिया गया था, और इस एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। अब आगे बात करते हैं, राणा आयुब की बात करते हैं। राणा आयुब जिसे, जो कि ज्यादातर मोदी विरोधी, ज्यादातर देश विरोधी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, राणा आयुब के खिलाफ मामले चल रहे हैं, चीजें हो रही है। लेकिन राणा आयुब को लेकर भी 2022 में उनके समर्थन में कई सारे ट्वीट किए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे इस ट्वीट के लिंक क्या है, तो आपको बता दें राणा आयुब को 2022 में जो समर्थन मिल रहा था उसमें से ज्यादातर लोग जो थे या तो वो काम कर रहे थे जॉर्ज सोरस के लिए, या फिर जॉर्ज सोरस की जो इनकी सोसाइटी है उसको वो फंड प्रोवाइड कर रहे थे। देखिए किस तरीके से लिंक बैठ रहा है, राणा आयुब, कांग्रेस और जॉर्ज सोरस, किस तरीके से समर्थन जो है मिल रहा है। अभी खत्म नहीं हुई है लिस्ट, ये लिस्ट अभी भी जारी रहेगी, जो कांग्रेस कह रही है कि कोई लेना देना नहीं है। अब आगे हम आपको बताते हैं किस तरीके से लिंक है। अब बात करते हैं कि ये कह रहे थे कि कोई लिंक नहीं है, अब आप देखिए लिंक पे लिंक निकल रहे हैं। 2009 की बात आपको बताते हैं, 2009 में खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर का बयान है और एक ट्वीट भी है जो आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें शशि थरूर खुद कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरस उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त जॉर्ज सोरस है शशि थरूर के, जो कि एक कांग्रेस के नेता है। तो यहां पर भी गौर फरमाइए, कांग्रेस जो कह रही है कि कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर देखिए यहां पर कैसे लिंक निकलकर सामने आ रहा है। आगे चलते हैं हम, मार्च 2021 की बात करते हैं। तो मार्च 2021 में फ्रीडम हाउस ने भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था और कांग्रेस ने इसे लेकर यह कहते हुए विरोध किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। फिर हम आपको बताते हैं फ्रीडम हाउस ने, अब जांच में यह भी मिला कि फ्रीडम हाउस जो है ये पूरी तरीके से अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इससे जॉर्ज सोरस के संबंध है। एक और कनेक्शन स्थापित हो गया कांग्रेस के साथ। देखिए कितने कनेक्शन जो है निकल रहे हैं, जो कह रहे थे कि कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन पे कनेक्शन निकल रहे हैं। अब एक और आपको बताते हैं, 2022 में वी डेम ने भारत के लोकतंत्र में गिरावट का दावा किया था, कांग्रेस खुशी थी और उसने वी डेम के प्रचार का प्रचार भी किया उन्होंने जमकर कि खराब हो रहा है। लेकिन इससे भी जॉर्ज सोरस के लिंक निकल के आए, क्योंकि वी डेम जिसने ये दावा किया था उसको फंड जो है जॉर्ज सोरस द्वारा ही मिलता है। देखिए किस तरीके से लिंक बैठ रहा है, कोई लिंक नहीं है लेकिन एजेंडा प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से कांग्रेस फैला रही है। वी डेम को भी फंड जो है वो जॉर्ज सोरस के तरफ से मिलता है। तो ये बताइए कि ये आश्चर्य की बात तो नहीं है, अभी इतने सारे कनेक्शन बैठ गए हैं कि आपको आश्चर्य नहीं हो रहा होगा। एक और जो आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बच गया है वो ये है कि राजदीप सरदेसाई जो है वो कल जगदीप धनखड़ द्वारा जो एक बयान था उसको लेकर कह रहे थे कि हमेशा कह रहे हैं कि हिंडसबर्ग की रिपोर्ट, एक और आपको बता दें जब हिंडसबर्ग की बात होती है तो ये दावा किया गया था कि हिंडसबर्ग की जो रिपोर्ट है अगर अदानी को नुकसान होता है तो इससे कई सारे अमेरिकन फर्म को फायदा होगा। फिर देखिए किस तरीके से कनेक्शन स्थापित हो रहा है, हिंडसबर्ग से अमेरिकन फर्म को स्थापित हो जो फायदा होगा, अमेरिकन अरबपति है जॉर्ज, आप कह सकते हैं कि सोरस, जॉर्ज सोरस ने एक जो है हिंडसबर्ग की रिपोर्ट की फंडिंग के मामला भी सामने आया था। अब यहां पर जो कांग्रेस है वो हिंडसबर्ग को लेकर चला रही है, हर जगह उसे लेकर अदानी के मुद्दे पर कर रही है, क्योंकि अगर अदानी को नुकसान है तो जो यूएस के फर्म्स है उन्हें फायदा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हम बात कर रहे थे राजदीप सरदेसाई की, तो राजदीप सरदेसाई ने कहा कि कल वो सवाल पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि फॉरेन हाथ कहां से है, कहां से हिंडसबर्ग को लेकर कह रहे हैं कि फॉरेन एक एजेंडा है, फॉरेन एक हाथ है पीछे
वजह से है। उन्होंने सवाल भी इस तरीके से दागे कि बार बार कहा जा रहा है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, क्योंकि चीन के फंडिंग का मामला था। बीबीसी को लेकर उन्होंने कहा कि बाहर से फंडिंग का मामला है, सारी चीजें हैं। तो राजदीप सरदेसाई को भी आज जिस तरीके से खुलकर उन्होंने मोदी के बारे में जॉर्ज सोरस ने कहा, ये उनके लिए भी जवाब है कि कैसे जब विदेशी फंडिंग के सवाल आप पूछते हैं कि विदेशी हाथ कैसे है। और एक विदेशी अरबपति खुलेआम जिसका भारत के प्रधानमंत्री और अदानी के मुद्दे से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, अंटिल एंड अनलेस इट्स अ बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस रिलेटेड थिंग, तो यहाँ पर उन्होंने मोदी को घसीटा। वो खुद कह रहा है $1 बिलियन का मामला भी सामने आया है, तो ये फंडिंग आखिर किसको जा रही है? जब कोई मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से, फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है, फॉरेन फंड तो ऐसे लॉजिक बनाए गए हैं, सारी चीजें कही जा रही है, तो फॉरेन फंड का जो मामला है ही नहीं, तो फॉरेन के अरबपति है जॉर्ज क्लिन जो है सोरस, जॉर्ज सोरस की कंपनी है, सोसाइटी है, तो जॉर्ज सोरस का फंड जो है, ये जो पैसे है, ये कहां जा रहे हैं? और ये इस वक्त ये खुद जो है मोदी का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा। मोदी से जवाब मांगने वाले जॉर्ज सोरस कौन है? भारत के प्रधानमंत्री से एक अरबपति कैसे जवाब मांग रहा है? और इसे जो कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है, तो कांग्रेस के जो ये आप कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी लोग हैं, इस प्रोपेगेंडा को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? कई सारे सवाल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुरी तरीके से कांग्रेस बेनकाब हो गई है, उनका एजेंडा, उनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। और भारत की जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को ट्रोल करने, उनके ऊपर निशाना साधने के पीछे सिर्फ कांग्रेस की राजनीतिक मुद्दे नहीं है, बल्कि बाहरी देश के जो साजिश है उसका भी हिस्सा बन रही है कांग्रेस। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से कांग्रेस और जो है जॉर्ज सोरस का रिलेशन है, जिसे कांग्रेस डिनाई कर रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।